बहुत सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई ने किसी करप्शन में अरेस्ट नहीं किया, बीजेपी की मंशा से अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को। यह बात हम कह रहे थे, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इसको सही ठहराया है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी को उस वक्त अरेस्ट किया जब वो ईडी के केस से बाहर आने वाले थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर थोड़ा सा आत्मावलोकन करना चाहिए, शर्म महसूस करनी चाहिए इस बात के लिए कि इतना खुलेआम वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गई है बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा उनको माफी मांगनी चाहिए देश से, देश के संविधान से, बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरह से वो एजेंसियों का दुरुपयोग करके दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर डालते हैं, एक कट्टर ईमानदार आदमी को अंदर डालते हैं, और फिर जब एक एजेंसी के झूठे मुकदमों से वो छूटने वाले होते हैं तो फिर दूसरी एजेंसी को लगा के उनको अरेस्ट करवा देते हैं। यह बात आज एक्सपोज हो गई केजरीवाल जी के संबंध में, मुकदमे के जो बेल के संबंध में उन्होंने दिया। और तीसरी बात हम सबके लिए बहुत सुखद यही है जो मैंने पहले भी कहा कि लोगों का अरविंद केजरीवाल जी के प्रति बहुत प्यार है। लोगों का प्यार, भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा और देश के संविधान का कवच, ये तीनों अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। और जब तक लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक देश के संविधान का रक्षा कवच अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है, केजरीवाल जी जैसे कट्टर ईमानदार आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात आज साफ हो गई है कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहें जेल के। इसलिए जब ईडी से केजरीवाल जी बाहर आने लगे तो उस वक्त सीबीआई से उनको अरेस्ट कराया गया। बहुत सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई ने किसी करप्शन में अरेस्ट नहीं किया, बीजेपी की मंशा से अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को। यह बात हम कह रहे थे, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इसको सही ठहराया है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी को उस वक्त अरेस्ट किया जब वो ईडी के केस से बाहर आने वाले थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर थोड़ा सा आत्मावलोकन करना चाहिए, शर्म महसूस करनी चाहिए इस बात के लिए कि इतना खुलेआम वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गई है बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा उनको माफी मांगनी चाहिए देश से, देश के संविधान से, बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरह से वो एजेंसियों का दुरुपयोग करके दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर डालते हैं, एक कट्टर ईमानदार आदमी को अंदर डालते हैं, और फिर जब एक एजेंसी के झूठे मुकदमों से वो छूटने वाले होते हैं तो फिर दूसरी एजेंसी को लगा के उनको अरेस्ट करवा देते हैं। यह बात आज एक्सपोज हो गई केजरीवाल जी के संबंध में, मुकदमे के जो बेल के संबंध में उन्होंने दिया। और तीसरी बात हम सबके लिए बहुत सुखद यही है जो मैंने पहले भी कहा कि लोगों का अरविंद केजरीवाल जी के प्रति बहुत प्यार है। लोगों का प्यार, भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा और देश के संविधान का कवच, ये तीनों अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। और जब तक लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक देश के संविधान का रक्षा कवच अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है, केजरीवाल जी जैसे कट्टर ईमानदार आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह बात आज साफ हो गई है कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहें जेल के। इसलिए जब ईडी से केजरीवाल जी बाहर आने लगे तो उस वक्त सीबीआई से उनको अरेस्ट कराया गया। बहुत सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई ने किसी करप्शन में अरेस्ट नहीं किया, बीजेपी की मंशा से अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को। यह बात हम कह रहे थे, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इसको सही ठहराया है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी को उस वक्त अरेस्ट किया जब वो ईडी के केस से बाहर आने वाले थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर थोड़ा सा आत्मावलोकन करना चाहिए, शर्म महसूस करनी चाहिए इस बात के लिए कि इतना खुलेआम वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गई है बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा उनको माफी मांगनी चाहिए देश से, देश के संविधान से, बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरह से वो एजेंसियों का दुरुपयोग करके दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर डालते हैं, एक कट्टर ईमानदार आदमी को अंदर डालते हैं, और फिर जब एक एजेंसी के झूठे मुकदमों से वो छूटने वाले होते हैं तो फिर दूसरी एजेंसी को लगा के उनको अरेस्ट करवा देते हैं। यह बात आज एक्सपोज हो गई केजरीवाल जी के संबंध में, मुकदमे के जो बेल के संबंध में उन्होंने दिया।
और तीसरी बात हम सबके लिए बहुत सुखद यही है जो मैंने पहले भी कहा।